ही दोस्तों, 19 अप्रैल 1995 की एक बहुत ब्यूटीफुल सुबह थी पिट्सबर्ग में, जब ऑथर मैकविलर ने डिसाइड करा कि वो बैंक्स लूटेंगे। एक नहीं बल्कि दो दो बैंक लूटेंगे, एक ही दिन में लूटेंगे, और वो भी अकेले। कैसे? वे उनके पास एक सीक्रेट प्लान था जिस पे उन्हें पूरा यकीन था कि वो काम करेगा। सो फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो उसी प्लान का यूज करके बैंक्स गए। उन्होंने बैंक्स लूटा भी, लेकिन उसी शाम को नॉट सो अकॉर्डिंग टू द प्लान वो पकड़े भी गए। कैसे? वेल, सीसीटीवी में उनका चेहरा आ गया था, जिससे इजीली पुलिस ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें पकड़ लिया। नाउ ये बात से ऑथर व्हीलर बहुत गुस्से में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा चेहरा कैसे दिख सकता है, मैंने तो अपने पूरे चेहरे पे लेमन जूस लगाया था। क्या? हाँ, आपने सही सुना, लेमन जूस। नाउ ये बात सुन के पुलिस वाले और सभी लोगों को लगा कि ऑथर मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सीरियस थे। उनका लॉजिक ये था कि अगर लेमन जूस की केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से इनविजिबल इंक बनाई जा सकती है, तो वही जूस से फिर उनका चेहरा भी इनविजिबल हो सकता है, जिससे फिर लोगों को उनका चेहरा नहीं दिखेगा। नाउ ये स्टोरी इतनी वियर्ड है कि ऑलमोस्ट फेक लगती है, बट ये सच है। हाँ, एक इंसान इतना स्टूपिड हो सकता है। नाउ इनविजिबल होने के नाम पे शायद नहीं, बट और कई जगह आप देखते होंगे लोगों को जिन्हें ऑब्वियसली ऑब्वियस चीजें भी समझ नहीं आती। आप उन्हें कितना भी लॉजिक से, प्यार से, कितने भी फैक्ट्स गिना लो, स्टिल वो लोगों को फैक्ट्स नहीं दिखते, कुछ समझ नहीं आता। जो मुझे खुद को ये चीज कई बार बहुत चिढ़ दिलाती है कि लोग इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हैं। और बुरी बात यह है कि दुनिया में ऐसे कई सारे स्टूपिड लोग भरे पड़े हैं जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं लेकिन होते नहीं। ना ये बात हम सबको चिढ़ तो दिलाती ही है, प्लस ये ह्यूमन काइंड के प्रोग्रेस के बीच में भी आती है, जो कई बार एज अ सोसाइटी, एज अ देश हमें आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए जरूरी है कि हम समझे कि क्यों लोग इतने स्टूपिड होते हैं और इसके बारे में आप और हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सभी हम आज की समरी वीडियो में देखेंगे, इस काफी अच्छी बुक की बातों को समझते हुए, जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ स्टुपिडिटी। सो लेट्स बिगिन। डेविड डनिंग एंड जस्टिन ट्रूगर। नाउ ये जो इंस्पिरेशनल स्टोरी थी हमारे इनविजिबल भाई मैक ऑथर की, वो दो सोशल साइकोलॉजिस्ट डेविड डनिंग एंड जस्टिन ट्रूगर को बहुत इंटरेस्टिंग लगी। इंटरेस्टिंग बस ये बात नहीं लगी कि एक आदमी ने कैसे इतनी स्टुपिड चीज करी, इंटरेस्टिंग था उस इंसान का कॉन्फिडेंस उस गलत अजम्पशन को लेके कि लेमन जूस उसे इनविजिबल बना देगा और वो सक्सेसफुली बैंक लूट भी लेगा। नो, ये जो टाइप की गलत फहमी होती है वो कई लोगों को होती है एक कॉमन कॉग्निटिव बायस की वजह से, जिसे बोलते हैं इल्यूजनरी सुपीरियरिटी, जहां इंसान अपनी एबिलिटी को अपनी एक्चुअल एबिलिटी से ज्यादा समझता है, जो चीज हमारे उम्मीद से कई ज्यादा लोगों में होती है और प्रॉब्लम दे सकती है। सो इसीलिए इन दोनों प्रोफेसर ने स्टडी करना स्टार्ट करा। एग्जाम्पल ऑफ डनिंग क्रूगर बायस। प्रोफेसर ने एक्सपेरिमेंट करा एक ग्रुप ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पे, जहां उन्हें टेस्ट करा गया था उनके ग्रामर, उनके लॉजिक और उनके ह्यूमर के बेसिस पर। और फिर उनसे पूछा गया कि अच्छा बताओ, तुम्हारे हिसाब से तुमने कैसा परफॉर्म करा है इस टेस्ट में कंपेयर्ड टू स्पेशली दूसरे लोगों के। तो इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई। उन्होंने देखा कि जो लो स्कोर वाले लोग थे, जिन्होंने सबसे खराब परफॉर्म किया था, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने कहा कि उन्होंने पक्का एवरेज से बेटर परफॉर्म किया है, मतलब वो एवरेज लोगों से बेटर है, जबकि रियलिटी में वो सबसे नीचे थे। और इसके अपोजिट साइड पे देखे तो जिन लोगों ने सबसे अच्छा परफॉर्म करा था, सबसे बेस्ट परफॉर्म करा था, उन्हें लगा कि जैसे चीजें उनके लिए इजी है, वैसे ही सबके लिए भी इजी होगी, इसीलिए उन्होंने भी अपने आप को एवरेज के आसपास ही समझा। नो, ये एग्जांपल दिखाता है द डनिंग क्रूगर इफेक्ट को, जहां दो की इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आते हैं। फर्स्ट, लो कॉम्पिटेंस वाले लोग ये जानते ही नहीं कि वो कितने गलत है और अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, बहुत नॉलेज वाला समझते हैं, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। और सेकंड, वो दूसरों के स्किल लेवल और नॉलेज को भी सही से तोल नहीं पाते, जिसकी वजह से ही ये लोग यूजुअली दूसरों से बेटर समझते हैं अपने आप को और उनसे चीजें सीखना अवॉइड भी करते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है। और इसी चीज को आप इस ग्राफ में देख सकते हो, जो है नॉलेज स्लैश कॉम्पिटेंस वर्सेस कॉन्फिडेंस का ग्राफ, द ग्राफ ऑफ डनिंग क्रूगर। एक इंसान को जब कुछ नहीं पता रहता तो उस टॉपिक को लेकर उसको कॉन्फिडेंस भी जीरो रहता है, लेकिन जैसे ही उसको थोड़ी सी भी नॉलेज होती है तो उन्हें लगता है कि बस अब वो एक्सपर्ट बन गया है इस फील्ड में, जबकि फिर और नॉलेज मिलने पर उन्हें समझ आता है कि नहीं, उन्हें काफी कुछ नहीं पता है, जिससे कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। और फिर काफी टाइम तक फील्ड की नॉलेज लेने के बाद वो एक्चुअल एक्सपर्ट बनते हैं और फिर उनका कॉन्फिडेंस भी हाई होता है। और ये चीज हर फील्ड, हर स्किल और नॉलेज बेस्ड एक्सपर्टीज में देखने मिलती है। एग्जांपल देखो, लोगों को सोशल मीडिया पे किसी टॉपिक पे एक दो वीडियोस देखने के बाद ही वो अपने आप को एक्सपर्ट समझने लग जाते हैं, और जो एक्चुअल एक्सपर्ट्स हैं उनसे लड़ने लग जाते हैं, उन्हें गलत बोलने लग जाते हैं, जो सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जो सच हद होती है स्टुपिडिटी की। और बुरी बात यह है कि मेजॉरिटी लोगों की थिंकिंग ऐसे ही होती है। एग्जाम्पल एक पोलिश साइकोलॉजिस्ट की स्टडी के हिसाब से 93% लोग अपने आप को दूसरों से बेटर ड्राइवर समझते हैं, एक एवरेज से बेटर समझते हैं। इवन बूढ़े लोग जिनके हाथ कांपते हैं ड्राइविंग करते वक्त, वो भी अपने आप को बेटर समझते हैं एवरेज से। वैसे ही 94% टीचर्स को लगता है कि वो दूसरे टीचर्स से बेटर है।
जरा सोचो इस बारे में, 93-94%, मतलब ऑलमोस्ट सब इंसान अपने आप को दूसरों से बेटर समझते हैं, जो अकॉर्डिंग टू सिंपल लॉ ऑफ मैथ स्टूपिड है। एक और कॉमन एग्जांपल, आपने इंडियाज गॉट टैलेंट, इंडियन आइडल जैसे शोज में देखा होगा कि कैसे एक इंसान के पास कुछ टैलेंट नहीं रहता, वो एकदम खराब रहता है, स्टिल वो ऐसा बिहेव करता है कि उसने फाड़ दिया, क्या परफॉर्मेंस दी, वाह। और जब उसे जजेस सिलेक्ट नहीं करते तो फिर वो गुस्सा हो जाता है कि अरे इन्हें रियल टैलेंट की कदर ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। जो कुछ टाइम हाँ सच भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये बात सच रहती है कि कई बार अनटैलेंटेड लोग अपने आप को टैलेंटेड समझते हैं, जो और कुछ नहीं बल्कि होता है डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। बट व्हाई? थ्री बिग रीजंस, बट अगेन क्वेश्चन आता है कि क्यों, क्यों लोग इतना ज्यादा गलत सोचते हैं। एग्जांपल से आपको समझ आएगा। समझो एक इंसान जो अपने आप को फोटोग्राफर मानता है, एक नया फोटोग्राफर है, तो समझो उसकी नॉलेज इस सर्कल जितनी होगी। अब उसे लगता है कि उसकी करंट नॉलेज जो है, मतलब ये सर्कल समझो अराउंड 90% नॉलेज कवर करता है, जबकि और सीखने के लिए उसके पास बस 10% नॉलेज और होनी चाहिए, जो सर्कल से बस थोड़ा और स्ट्रेच होगा। जबकि एक एक्सपर्ट दूसरी तरफ सालों से उस फील्ड को स्टडी करने के बाद समझता है, जानता है कि उसे अभी भी बस 70% नॉलेज ही है इस बड़े सर्कल जितनी, लेकिन वो ये भी जानता है कि और भी 30% चीजें हैं जो उसे नहीं आती है, प्लस कितनी नॉलेज और होगी जो उसे अभी तक पता भी नहीं होगी, और करते करते ही उसे आगे फ्यूचर में समझ आएगी। इसीलिए कई बार एक एक्सपर्ट बहुत नॉलेज होने के बाद भी उसे लगता है कि वो कम नॉलेज वाला इंसान है, जबकि एक न्यूबी जो कम नॉलेज रखता है वो भी बहुत हवे में उड़ता है। और यही प्रॉब्लम होती है, एक्सपर्ट्स कई बार फूल्स के सामने भी चुप पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनका 70% काफी नहीं, जबकि फूल्स 90% नॉलेज के भ्रम में जीते हैं, उन्हें लगता है उन्हें बहुत ज्यादा पता है, जबकि एक्चुअल में उन्हें कुछ पता नहीं होता है और वो स्टूपिड ही रहते हैं। इगोइस्टिक बायस, ऐसे ही कई बार जितना कम टैलेंट होता है उतना ज्यादा लोगों में कॉन्फिडेंस देखने मिलता है। नाउ इसका वन ऑफ द रीजन है बिकॉज ऑफ नेचुरल इगोइस्टिक बायस, जो 1970 में एक साइकोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट करा था। एक्चुअली हमारे दिमाग को हमारा दिमाग बहुत पसंद है, इट लव्स इटसेल्फ, और ये चीज हर एज हर टाइप के लोग में होती है, जहां हमारा ब्रेन खुद की हमेशा बड़ाई करता है और बुराई से उसे दूर रखता है। एग्जांपल, हमारी क्रिकेट टीम जब कोई मैच जीतती है तो हम बोलते हैं कि अरे वाह अपनी टीम जीत गई, हमारी कंट्री जीत गई यार। वहीं दूसरी तरफ अगर टीम हारती है तो हम बोलते हैं कि अरे क्या बकवास खेलते हैं ये लोग, क्या खराब बैटिंग करा या बॉलिंग करा उसने, और वो लोग हार गए। और ऐसे हमारा ब्रेन अपने आप को बुरे रिजल्ट से दूर रखता है। वैसे एक और एग्जांपल देखे तो, अगर कोई इंसान हमें ज्यादा पे करेगा हमारे काम के लिए तो हमें बहुत अच्छी लगेगी वो बात, लेकिन अगर वही सेम अमाउंट किसी और को दिया जाएगा तो हम बोलते हैं कि अरे क्या गलत हुआ, ऐसा थोड़ी ना पे करना चाहिए उसको। अगर हम तेज गाड़ी चलाए तो इट्स ओके हमें लेट हो रहा है, लेकिन कोई और चलाएगा तो हम उसे गाली देते हैं। अगर हम स्लो गाड़ी चलाए तो इट्स ओके, बट अगर कोई और चलाएगा तो हम बोलते हैं कि क्या बैलगाड़ी चला रहा है। और ऐसे ही हम कई हिपोक्रेसी वाली बातें करते हैं। नाउ सिमिलरली इस टॉपिक पे आए तो, हम आर्ग्यू करते टाइम भी हमेशा ये समझते हैं कि हम सही है और सामने वाला गलत है, और आर्ग्यूमेंट कितना भी अच्छा हो, कितने भी फैक्ट्स हो उसमें, वी डोंट केयर, हम बस अपने आप को सही बताना चाहते हैं। जैसे कि डेल कार्नेगी ने अपनी फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में कहा है कि यू कांट विन आर्ग्यूमेंट। एग्जांपल, 10 में से 9 बार जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं लोगों के बीच में, उसके अंदर यही रिजल्ट देखने मिलता है कि ऑलरेडी जो लोगों के बिलीव्स होते हैं बस वही उनके ही बिलीव्स और स्ट्रांग हो जाते हैं, बजाय एक दूसरे को चीजें समझाने के वो दोनों अपने ही बिलीव्स को और स्ट्रांग बना लेते हैं और कुछ अच्छा आउटकम नहीं निकलता है आर्ग्यूमेंट का। इंटेलिजेंस फियर, एक और रीजन की लोग इंटेलिजेंट लोगों की बात नहीं मानते हैं, वो है बिकॉज वो लोग डरते हैं। देखो आज के टाइम पे पहले टाइम जैसी बात नहीं है, एक इंसान कितना भी फिजिकली स्ट्रांग हो, कितना भी बड़ा हो, वो हमें कुछ नहीं कर सकता जब तक हम और वो रूल्स एंड लॉज को फॉलो कर रहे हैं। प्लस हम सब जानते हैं कि कैसे लोग फिजिकल बॉडी बनाते हैं, और हम भी बना सकते हैं अगर हम मेहनत करें तो। हम ये भी जानते हैं कि एक बॉडी बिल्डर के सामने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, मतलब लोगों को सर्टेनिटी होती है, पता होता है कि कैसे उन्हें हैंडल करना चाहिए। लेकिन एक स्मार्ट इंसान से बात करते टाइम कब क्या होगा, कैसे वो सबके सामने लोगों को उनके बिलीव्स को स्टूपिड दिखा सकता है, ये लोगों को पता नहीं होता। इसलिए मैक्सिमम स्टूपिड लोग स्मार्ट लोगों से लॉजिकली आर्ग्यू करना तो दूर की बात है, उनकी बातें सुनना भी अवॉइड करते हैं, जबकि स्मार्ट लोग हमेशा अपने बिलीव्स को चैलेंज करते हैं खुद से और दूसरों की बातें सुन के, और हमेशा सीखते रहते हैं। नाउ हाउ टू फाइट इट? अब सच तो ये है कि दोस्तों, हम सब हर एक इंसान इस इफेक्ट से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस्ड होता ही है, बस कुछ थोड़े ज्यादा होते हैं कुछ थोड़े कम। इसलिए हमें इससे लड़ने आना चाहिए, और इससे लड़ने का बेस्ट तरीका है एजुकेशन, खुद की एजुकेशन और दूसरों को एजुकेट करना। जितना हम सब एजुकेटेड होंगे उतना हम चीजों को समझेंगे। एक बहुत कॉमन साइंस स्टूपिड लोगों में हमेशा ये देखने मिलता है कि उन्हें लगता है कि वो हमेशा हमेशा सही है और सही रहेंगे, वो अपने ओपिनियन कभी किसी चीज को लेके चेंज नहीं करते। जबकि एजुकेशन जब लोगों को मिलती है तब उन्हें रियलाइज होता है कि अरे कितनी सारी चीजें हैं जो उन्हें पता ही नहीं है, जिसके बाद उन्हें धीरे धीरे रियलाइज होता है कि उन्हें कितना कम पता है, जो पता होना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया,
मैक्सिमम स्टूपिड लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें कितना कुछ नहीं पता है दुनिया के बारे में, जो प्रॉब्लम को एजुकेशन और अवेयरनेस ही दूर कर सकता है। एग्जाम्पल, डनिंग क्रूगर स्टडी में जब लोगों को ट्यूटरिंग दी गई, जब टीचर ने बस बेसिक चीजें सिखाना स्टार्ट करी लोगों को, तो उन्हें देखने मिला कि इन स्टूडेंट्स पे फिर इसका इफेक्ट, डनिंग क्रूगर का इफेक्ट कम हुआ, बिकॉज उन्हें समझ आने लगा कि उन्हें कितना कुछ नहीं पता है। जो बहुत ब्यूटीफुल पैराडॉक्स है जिंदगी का, जहां आप जितना पढ़ते हो उतना आपको समझ में आता है कि आपको कितना कुछ नहीं पता।